देखी डोकरी दा एक कन बोला थे हाथ गोड़ नहीं चला थे घर वाले मन का थे एकर बचाई है मुश्किल है भैया तो कैसे करबो तो घर भर के मन मिल के काम करो पान प्रसाद खवा देव कह के अब घर भर के मन मिल के पान प्रसाद खवाए पर डोकरी कुरियम गीस जैसे पान प्रसाद ना डोकरी के मुंह में डारत रहा है डोकरी कलप के रोटरी ते कहता जिया जिया पान प्रसाद खवा तो मरे पास कौन खवाई टोला जिया ले दुनिया खवा थे हाउ घर वाले मन पान प्रसाद खवाए डोकरी कलप के रोए पड़ोसी मन आंख खवाए डोकरी कलप के रोए सगा मन आंख खवाए डोकरी कलप के रोए बर के का एक कन चल ही का हाँ डोकरी और कलब करो है गांव के जनसियान आ किस गा कि डोकरी के तिक माने देख लेते हो कि कहो कि पान प्रसाद खाई ओकरो कर कलब के वो बिचारा मयक मारे बहरी पर निकल के घर वाले मन लगते थे ये डोकरी कहीं कहीं कहना चाहत भाई तो एकर कुछ करो तो का करे लगी करना कुछ नहीं है अब हम तो सुनेन भाई ये राम नी के जीवन भर एकर मुंह राम बोलवाबो कहते तो बोले बन जाए तो कैसे करबो गांव बने सने का टीकाकार है वो टीका खाला धर के लाओ और लाओ ये डोकरी का घूम रामायण ला पढ़ाओ ओकर बाबा बोल ही मुंह ले सके आप कैसे करबो
भरत प्रिय राम चंद्र की जय। श्री राम राम भरतागज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणम भव राम राम। आइए हनुमंत विराज कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारियो पवन कुमार श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसो जे हृदय को फल चाय बुद्धिहीन तनु जान के सौमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो महे हर हो कलेश विकार। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। साहे बंदगी जमा थोई जमाओ जम थे हाँ मेकर सती कहा तो कबर की मैं तिली हूँ हमार मन में चल थे और तुमरो मन में चला थोई चला आओ का थो बन ही तो का हाँ ले आगुरा हाथ ल पसारो हाथ ल पसान ना ये लग पर उसीर को चाक कहा था ले पसार काला देख था ये तिल देख कथन ये देख से पसार चलो चलो साहिबंदगी छत्तीसगढ़ के पावन धाम विराजमान पावन धरती पावन ग्राम ग्राम प्रत्येक प्रणाम करत राम कथा के रस स्वादन करने वाला राजा दशरथ के बरोबर धीर की रखने वाला संस्कार व्यवहार के पटैया जम्मू हमर बाबूजी मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत संगे संगे मानस मंच के आगू बैठे माता कौशल्या के कई सुमित्रा के बरोबर गोल लमाए नहीं लमाए रहा कहा था कहीं कहा था लमाए रहा गोल लमाए पालकिन मोड़िया पाछू बैठे मोर तमाम माता मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत संगे संग ये गांव के जम्मू कलयुग के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बरोबर पबजी और फ्री फायर के खेले हमारे युवा साथी मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत संगे संगे मानस मंच के आगू बैठे हाड़ी का सीता तू मला नहीं कहा था फिर लव कुछ बरोबर तमाम छोटे छोटे भैया मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत संगे संग अच्छा बढ़िया आयोजन के सृजन करने वाला जम्मू मोर आयोजक परिवार गुरतुर गुरतुर वाणी से सराबोर करने वाला आदरणीय हमारे मन संचालक महोदय जी संगे संग मोर कर्कश का स्वाणी आप सबके बीच मिटपट लाने वाला आदरणीय माइक ऑपरेटर महोदय जी पांव परत का पांव परत हो का तो हां ले एक बार जोरदार ताली हमर साउंड वाले भैया पर होना चाहिए काबर अमन मानस मंडली वाले मन आथन गाथन बजाथन खाथन लेथन खसकथन ये पांच दिन मेहनत कर तब अति बड़ पंडाल हसस थे देकर सती कहा देकर बार इसे थापड़ी कहा और इसने बजात रहे करो हर मंडली दारी साउंड वाले पर अभी मात कहा तो बाद में अभी नहीं चलो संगे संग ये गांव के 33 कोटि देवी देवता के प्रणाम करत श्री राम कृपा मानस परिवार ग्राम सालिक झटिया पोस्ट अर्जुनी तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के तमाम युवा साथी मन गढ़ारले कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार करो। मानस के बड़ जोरदार कथा प्रसंग चर्चा की यात्रा जैमे मल चर्चा करना है और गोसाई जी महाराज बालकांड बड़ा जोरदार लिखे कि राम कथा सुर धेनु सम सेवत सब सुखदानी और सत्य समाज सुर लोक सब को न सुने अस जाने। मानस प्रसंग की चर्चा है कि राम कथा का है और ये तमाम चर्चा सुनन देकर से पहले मैं निवेदन करता हूँ ए छो से लेके ए छो तक जितिक जन बैठे है काला देखते हो ओला का तो पड़ोसी ला इतनी देख इतनी रामायण वाले इतनी बैठे वहां ना देखता सब इतनी देख एक निवेदन करता हूँ छो से लेके ये छो तक सालिक चिटिया कदे करते हैं लोग कौन कौन जानते हाथ उठाओ तो वाह तो मम्मी पापा नहीं कहते हाथ ले उठा डरे और कर मम्मी पापा नहीं जाने को घा वो तो एक डरी बता
चलो निवेदन नहीं जाना था में अपन गांव परिचय आप सबके संग रख चलो। ये संसार में सात महाद्वीप है और सात महाद्वीप में से एक महाद्वीप जिसका नाम है एशिया महाद्वीप, वो एशिया महाद्वीप के पावन कोरा धाम हमारा है और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत बसे छोटे छोटे देश है। ये छोटे छोटे देश में एक देश जिसका नाम है भारत भैया जिले हिंदुस्तान कितना जिला कथन इंडिया वो भारत महातारी के पावन कोरा धाम हमारा है और भारत महातारी के कोरंचल में बसे 28 राज्य है। 28 राज्य में से एक राज्य जिसका नाम है छत्तीसगढ़ महातारी जिले धान के कटोरा कथन और छत्तीसगढ़ महातारी के पावन कोरा धाम हमारा है और छत्तीसगढ़ के बखान करत कवि सुरेंद्र दुबे जी महाराज बहुत सुंदर कविता के सर कहने लगे बोले का कहिन कि तू के पहाड़ल चार घाव पर के घाव जोर से के घाव आओ जोर से तू पहाड़ल के घाव पर वो बोले दू के पहाड़ल चार घाव पर हम तहां फाटल खा राम राम जोहर राजिम में नहाओ मो डोंगरगढ़ में चढ़ यही लगे थे भैया मोर हरियर छत्तीसगढ़ यही लगे थे भैया मोर हरियर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के पावन माटी में 33 ठन जिला है जिसमें 2 करोड़ माई पीला है टेटकू बुधारू और रमसीला है जिसमें एक जिला जिसका नाम है संस्कारधानी राजनांदगांव जिला और राजनांदगांव जिला के पावन पुरा धाम हमारा है और राजनांदगांव जिला के अंतर्गत बसे 4 ठन विकास खंड क्षेत्र है। 4 विकास खंड क्षेत्र में 1 विकास खंड क्षेत्र जिसका नाम है डोंगरगांव और डोंगरगांव विकास खंड क्षेत्र हमारा है। डोंगरगांव विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 145 ठन गांव पर थे 145 गांव में एक गांव जिसका नाम है पोस्ट अर्जुनी और पोस्ट अर्जुनी के गांव हमारा है और अर्जुनी के अंतर्गत 11 ठन गांव पर थे 11 गांव में एक गांव जिसका नाम है सालिक झिटिया वो सालिक झिटिया के गांव हमारा है और सालिक झिटिया के अंतर्गत लगभग 163 ठन खपरा छानी वाले घर है जिसमें 5 ठन खपरा वाले घर और 2 ठन छत वाले घर हमारा है जिसमें 5 ठन खपरा वाले घर 2 ठन छत वाले घर हमारा है। बोल सियापति रामचंद्र की जय जय। चलो राम कथा के सुना एक अंगू बैठते हो हमेशा वहां डर बैठे कैसे बैठना से नहीं सो जैसे और पूरा शरीर वहां डहा अभी डालना जाएगा हाँ इसने बैठेगा। चलो आप और हम सब मानस कथा की ओर जुड़े पर इससे पहले गौरीपुत्र के जनन जी की वंदना फिर सीधे सीधे मानस प्रसंग की यात्रा और कोशिश करूंगा ज्यादा बहुत बड़े कोई व्याख्या करना हो पर अच्छा से अच्छा राम कथा आप सब प्रसंग हो चले। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल जनन महाराज की जय। सदा भगवान We'll be right back.
ये जड़ के कथा है जाते छत दीदी और नहीं रुका ले जा और जवैया को नहीं रोके कथूंगा
और अब आए दूसरा दारी का हाथ हमारे दारी का लाया अब जाते हैं उन्हीं है परमानेंट और जाते ना तो अकेला नहीं जाए दूसरा कोचक के जाते हैं ये देख उसने जाके छोड़िए भैया जाबे दुनिया छोड़ के जाबे तो जाबे और कोई जही ना सोच ले रहा बता था कोई जाना नहीं है कहा था बैठे रहो मोर रहा थे बाकी दहन जहू जहू बोल श्री सीताराम भगवान की जय। पाल कान के पावन कथा प्रसंग चर्चा याद जहाँ बाबा गोसाई तो दाजी महाराज बढ़िया पर जोरदार लिखे कि राम कथा का है तो राम कथा सुर धेनु और सम सेवत सब सुखदान राम कथा दुनिया में तमाम जन सोतल जिन सुनने वाला है जिन राम कथा के जानने वाला है बोले सुख दे भैया अभी सब ला बता कौन है भगवान शंकर माता पार्वती ला बढ़िया बात ये कि एति पत्नी ला भगवान शंकर रूपी पति समझाते किस्मत वाला है माता पार्वती जेकर पति भगवान शंकर बरोबर है नहीं का अब माता पार्वती जब भगवान शंकर ला पसंद करी से ना तो वो ये सोच के पसंद नहीं करे कि ओकर घर धन दौलत है हाँ वो ये सोच के पसंद करे कि मोर पति सोलायान है तो सोलायान पति जान के वो बिहाव करे नहीं तो ईमानदारी से बताना थी काकर दाई मन बैठे पड़ते वा वाले मल्ला कहा था काकर काकर घर वाले सोलायान है हाथ उठाते ये तिल देखा रहा होगा तीनों घर है बस सोलाना बाकी 17-18 वाला पाछू वाले मल्ला घर कहा था बड़ जल्दी उठाए पाछू वाले तो सोचा रहे ना 17 बोलो तो 18 मां लास्ट हम 16 मां 21 हुआ सबके घर वाला 16 आना होते पर निवेदन कर दो प्यारे भगवान शंकर जी महाराज वो है जिन दुनिया वाले मन पर विश्वास के प्रतीक है और ये विश्वास श्रद्धा रूपी भक्ति रूपी जहां चर्चा होना है वो माता पार्वती राम कथा के चर्चा की राम कथा का है तो राम कथा सुरहेनु सम सेवत सब सुखदान और सत समाज सुर लोक सब को ना सुने अस जाने बोल बाकी बिहारी लाल की और तेकर सती भगवान शंकर दुनिया वाले मन पर भोला है और दुनिया वाले मन पर अभी सबसे ज्यादा ना ट्रेंडिंग में सबसे ज्यादा जो चलने वाला देवता तेकर नाम शंकर भगवान तुम्हारा डर चलते नहीं चलते नहीं जानते काकर देवता है एकाकर देवता है काकरो नो है अच्छेला देवता ही वो नरियर वरियर की व्यवस्था करो कहा था मोला संग दे माता तौरो ना घर बारो जागत है धुन अब बनेज घोंडा से देखा था सो आतिक पान सहित के देवता मन नहीं घोंडा बोल श्री सीताराम भगवान की जय भगवान शंकर जी महाराज विश्वास के प्रतीक है और शायद पूरा छत्तीसगढ़ में अभी सबसे ज्यादा पूजा का अगर काकरो होते तो भगवान शंकर के पूजा होते है नहीं और कब ले होते जब ले प्रदीप मिश्रा महाराज आए तब तुम जाना तो सब मिश्रा महाराज और सब डान चला थे तुम्हारे डान नहीं हमरो डहर चला थे और मिश्रा महाराज क्या एक बात ना मैं एक चीज देखे हूँ हर गांव के माई लोग इनमन वो मिश्रा महाराज के बात ला मान के बिल्कुल सुबह 9 बजे नहा खोर के निकलते और लोटा में पानी धर के तरिया पार में जाते शंकर भगवान पानी रुको बार कहा था वानी वानी क्लमा सोचो और हर गांव के रिकॉर्ड है दूसरा गांव के नहीं हमरो गांव कहा था सब जनों सुबह कन मस्त सुबह कन 5 बजे और बिल्कुल नहा खोली और 8 बजे तक काम गुता करे बिल्कुल नहा खोल के लोटम पानी धर के जाते और मिश्रा महाराज के आज बात तब पहली मिश्रा जी की आय पहली जब हमारे घर पहली बार नांदगांव में हमारे हाले को समाय से वही छुरिया कर हवे और वहाँ इस तक पहले कोनो किस हुई कि मिश्रा जी हमारे ठान पूजा होते भगवान शंकर के नहीं होने वाले नहीं हो पर होते पर हाँ मिश्रा महाराज की तब पूजा होते तो समस्या का है तो बोले समस्या ये है कि पैसा वाले मन जाते गरीब मन नहीं जा सके तो काबर जाते तो पैसा वाले मन का पैसा देकर सती जाते गरीब मन पैसा नहीं है कि नहीं जाए तो का चीज बार तो दिए लेबे तब पैसा पोनी लेबे तब पैसा तेल लेबे तब पैसा कपूर लेबे तब पैसा अगरबत्ती लेबे तब पैसा नरियल लेबे तब पैसा केरा लेबे तब पैसा खीरा लेबे तब पैसा सब में पैसा फोकट में नहीं हो तो कैसे करे जाए तो मिश्रा महाराज कहते एक काम करो फोकट चल ही का तो छत्तीसगढ़ में फोकट चलते चौर मिला थे फोकट के चौर मिला थे फोकट के नमक मिला थे बोलन लोगों ना नमक मिला थे फोकट के यहाँ तक के 40 रुपए हम खा था फोकट के नहीं तो काय ले बता मतलब छत्तीसगढ़ में फोकट चला था कैसे करे जाए तो करना कुछ नहीं मिश्रा महाराज के बाद इस एक काम करो फोकट के इलाज एक लोटा जल सारे समस्याओं का जोर से एक लोटा जल सारे समस्याओं का पानी हाँ पानी फोकट रंधनी कुरियम जा लोटम पानी निकाल के ला पानी निकाल डरे 3-4 ठन बेल पत्ता तोड़ बेल पत्ता खोलो फोकट के जा रिंगत रिंगत जा भगवान शंकर के मंदिर में पानी रुको बेल पत्ता चढ़ा तोर जीवन में समस्या नान मुन खा वापस आ सुतेरा हो गए कहा तो बात कोई नहीं तो कोनो मन मिश्रा महाराज महाराज
सबो जन्म लते देव तक पूजा करे पर भेट था ता ए पूजा करा था तो बने लागत का त मिश्रा महाराज की कि मैं लोगों को मंदिर इसलिए नहीं भेजता कि वो भगवान की पूजा करे, मैं लोगों को इसलिए नहीं भेजता कि वो भगवान की पूजा करे, मैं तो लोगों को इसलिए भेजता हूँ कि ये इंसान अपना सर किसी के सामने झुकाता नहीं, कम से कम भोलेनाथ के सामने जाएगा तो कम से कम झुकाएगा, कम से कम होकर मुड़िल झुकाएगा। एकर सती भगवान शंकर के पूजा सबसे ज्यादा, अब ये वो देवता आए जे अपन पत्नी तक लग ही और राम कथा सुन ले। अच्छा निवेदन, अपन दोनों पत्नी के बारे में चर्चा कर दो, जहाँ एक पत्नी किस एक बार त्रेता युग माही सम हो गए कुंभज सिपाही, और जहाँ शंकर जी महाराज माता सती ले किस कब संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञान मैया सती ला, तो मैया सती का करे है परीक्षा ले का कर भगवान का, जो परीक्षा लेते थे पांचे नहीं कहा तो माला कहा तो परीक्षा वरीक्षा देवाए करो ले हो गए तभी मैं छरात होते हैं। बोल सियापति रामचंद्र की काकर डोरी बांधते हो दे काकरो कांसड़ा वांसड़ा धर के ला। अच्छा जींस के है रे, हाँ अम्मात बांधो, पड़ोसी तो देख देख के परेशान हो जाएंगे थे। बोल वहां के बिहारी लाल की, इसलिए भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा कि एक ने परीक्षा लिया है अब तुम क्या करोगे, बोले तुम्हारे जीवन में केवल और केवल भगवान की साधना होनी चाहिए। तो मैया पार्वती अपने से होकर पूछ रही है और निवेदन कर दो, मैया पार्वती भगवान शंकर से जब बिहाव करी ना तब बिहाव करे तो अपन मर्जी से करे। अब पहले के जमाने में वो सियान मन जाना थे दाई मन है, पहले जब बिहाव करे तब बबल देखे रहे तब बिना देखे बिहाव कर दे सेंच में हो, हाँ होए पहली कौन इसने होए आपके मना देख बे तिहल कई कई परत के होते कई परत के नहीं होने है नी, हाँ पहली कौन सियान मंजिल कह दी सना ओकर सन फाइनल है पर माता पार्वती पिता के हिसाब से नहीं अपन हिसाब से बिहाव करी तो कोनो कर सहेली मन कथे अतिक पान देखा था शंकर भगवान ला जेकर वो सांप डेढ़ू सब आरोक रखे है बिच्छी विच्छी तो बिच्छू विच्छू वाले मन तो बने लगते वो न माता पार्वती कथे हाँ मोर बर बने हैं तो ये शंकर भगवान ला ते पसंद करे हास तो ओकर घर में घर द्वार नहीं है कथे वो कोई दिक्कत नहीं पूछा लगा टेंशन खत्म और कतिक ला लगा बेले बता वो टेंशन खत्म फिर कहीं जे कपड़ा पहनते थे कपड़ा सालों साल ले कांचे नहीं कथे वो कोई दिक्कत नहीं हमार निर्मा मां छी कपड़ा कांचे टेंशन आगा फिर किसे कन में मैया पार्वती लकास पारो चाहू बात बढ़िया है फिर ओकर घर में बर्तन भाड़ा नहीं है वो कोई दिक्कत नहीं बर्तन मांजे टेंशन बोलन लगना खत्म फिर कही का हुकर घर में लट्टू नहीं है वो कोई दिक्कत नहीं चंदा हा बगर बगर बरत रहे कथे बिजली भी लायक इंसान ये देव की छरे। फिर भगवान शंकर जी महाराज माता पार्वती सन बिहाव करे माता पार्वती जब पूछी भगवान शंकर जी महाराज के सामने बैठ के राम कथा काय प्रभु माता सती के संग जब गीत तो दूसरा करके स्वयं जानने वाला भगवान शंकर जी महाराज एक बार निवेदन कर दो सबो दर्शक दीर्घ से रामायण ला सबले पहली कौन लिखी कौन लिखे है हाँ कौन लिखे है आले ठीक कौन लिखे रहा तुलसीदास कथे देखा था ये लेका मन है एक कदम ऊपर में गोठिया तुम नीचे में गोठिया था रामायण सबसे पहले लिखने वाला कौन बोले रची महेश निज मानस राखा भगवान शंकर सबसे पहले रामायण की रचना करके अपन अंतस मन में बसा है काला सुना है केवल और केवल अपन पत्नी ला काबर जग कल्याण के लिए देकर सती की श्री राम कथा क्या है बोले श्री रामचंद्र जी की कथा जनमानस के जीवन में सुख को देने वाली है और सुख मतलब सुख मतलब तो ये राम कथा कहाँ होते सत्संग में कहाँ होते जोर से कहाँ होते और हमन बैठे हैं कहाँ चटाई में नहीं सत्संग में चटाईलत में हो देखा था सत्संग हाँ हाँ ये बैठे हैं तो सत्संग में बैठे हैं और सत्संग में कहाँ मिलते बोले तात स्वर्ग अपवर्ग सुख और धरे तुला एका कि तुम ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग सत्संग से बढ़कर सुख इस दुनिया में नहीं मिल सकता प्यार तो सोच के देखा सुख काला कथे सुख काला कथे जान नहीं जानो सुख ला जानते हो काला कथे एक अंगू मत देख इरान देखा था सुख काला कथे जानता से नहीं कथो और हाँ थे बने पूछते होता हाले कोई दिक्कत नहीं दूट दूठन हाथ आवे कापी पेन लाओ कापी पेन नीला ले कोई दिक्कत दूठन हाथ तो होवे का हाँ कहाँ है देखाओ
ये सुतेल दे कोचक तो इसे दिखाना ये दे हां चल तू हमन का नहीं है दिखाओ का एक काम कर अब नीचे का नीचे आ ये दोनों एक हाथ ला कॉपी बनाओ इसे कॉपी अब इसे माड़ी मड़ा बना रे एक हाथ ला पेन बनाओ बना डरे हो हां चलो लिखो पहले पूछ ले का लिखना है हड़बड़ हड़बड़ मत लिख सुख लिखना है का लिखना है सुख जोर से का लिखना है अब आप बड़ा कन लिखो एक कन मत लिखो है हाँ चलो लिखन लगो सूखा 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 लिखना सूखा 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 लिख डरे हो पक्का हाँ जे सूख लिखे वाला नीचे से उल्टा पढ़ो लगातार खा सूखा सूखा That means disease. Disease मतलब बीमारी सुख और ये बीमारी एक ही बरोबर है कैसे ये मनखे के जीवन में ये दो मिनट भर आते और जीवन भर बस तकलीफ छोड़ के चल देते तेकर सती काकिस भगवान शंकर की एक घड़ी आधो घड़ी पुन आधो की याद तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध केवल नाम मात्र सुमरण से और कलयुग में ना केवल बोले नाम नामे ठन एक ठन आधार है ते नाम भला सुमन लेबे ते भौसा कर ले तर्जबे और राम कथा का है तो राम के चरित्र समझ के दे कैसन चले जब तक राम अयोध्या में थे हमने उनको राम कहा जब तक राम अयोध्या में थे हमने उनको राम कहा और जिस दिन भगवान रामचंद्र जी महाराज अपने पिता के बात को मानकर 14 वर्ष का वनवास निकले उस दिन हमने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा ये क्वालिटी मेरे राम के अंदर ये क्वालिटी अब बढ़िया बात बता दे हम ये राम कथा से एक चीज जानते मैं खासकर हम भारत देश के रहने वाला जहां भारत देश में राम के सपोर्ट करत मनखे नहीं जीव मन मतलब मेरे राम के संगत में वानरों की सेना रावण के लंका में निशाचरों से लड़ने के लिए दौड़ गया बेंद्रा मन हम भारत के रहने वाला हम उस भारत देश के रहने वाले हैं जहां के पक्षी जेकर नाम जटायु वो एक नारी के मर्यादा बचाए और अपन प्राण के आहुति दे डरीस वो पक्षी हम भारत देश के रहने वाले हमारे देश में वो चिटरा जे नम कम से कम नान नान पत्थर धर के समुद्र में राम के लिख के फेंके ना उस समुद्र में पत्थर तौरे चालू कर दे ये जीव मन में वो साहस रहा है जेकर सती कोनो संत मन बड़ जोरदार लिखे रहा बोले का जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा फापड़ी के संग है और सुर में बजाऊ ये ऐसे रहा ना मेरे बता था ना रुके रहिए ऐसे सुर में आना चाहिए चलो निवेदन और सब जन मिलके कमाल लगो ठीक है पक्का आनंद लेके जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पर बढ़ता देना वो भारत देश है मेरा 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 बोल सियापति रामचंद्र की तेकर सती राम कथा काकिस बोले इंसान के जीवन में ओकर मनोवृत्ति ला ओकर इच्छा तमाम पूर्ति करने वाला रामचरित मानस है और सीखे की जरूरत है बस प्रात काल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु नाम ही माथा पहाती बेरम भगवान राम उठे ना तब वो अपन दाई दक पाँव पर तुमन पढ़ो अपन माँ पापा पाँव ला नहीं पढ़ो कौशल्या मैं रहा ना और रामचरित मानस में एक बढ़िया बात ये कि माता कौशल्या खलो ना कैसनो रहा है फिर बिचारी बने रहा है कम से कम अपन पति के कम से कम तीन चार घाव पाँव पड़े दिन भर में जैसे सुबह कन जाती से ना कहाँ जात है आवात हो तो पहले पाँव पड़ती आती से ना फिर पाँव पड़ती दस मिनट बाद फिर कहाँ जात है हाथ हो ना तो फिर पाँव पड़ती फिर आती से ना फिर मतलब दिन भर में चार पाँच घाव पाँव पड़े तुम के कहाँ पाँव पड़ते गोलू पापा के एक गाँव पड़तेगा ओ नी परे और कब परते जान था ओ गांव के तिया वापस लौटते ता तहु पांव पर ही बड़ा खतरनाक यहार ओ पांव पर ही है काले छठी ममन देखें वो छठी रामायण के हमरे कोती है रे और एक जन दीदी है रे कोने कहते नहीं जानो ऐसे पर्स और आवत रिसे और जिसने आवत रिसे ना महाटी में एक जन डोखरी दाई खड़े रिसे और धुरियाल देख के कहा थे आई मौसी तहु वहां सो तो दिखत नहीं हो आते हैं तो पाँव पर तो बने पौरिक पड़तीस नहीं है देकर एकर एकर पाँव छोड़ के मारिक पड़ता है हमें क्यों पार होकर हाथ को हमला का करना है
पहली संस्कार रहा है पहली मन पाँव पड़ता दोनों हाथ में बढ़िया ये पौरी पाँव पड़े अब आपके मन पाँव पड़ता माड़ी पाँव पड़ते मैं कभी कभी सोचता हूँ आने वाला समय इसने झन हो कि मनखे मन ला पाँव पर एक जगह नहीं दिखी मुड़ी मुड़ी टेका चालू कर दी गारंटी कथा कहीं के कोई गारंटी नहीं रामचंद्र जी महाराज के जिन चरित्र की कथा है ये रामचरित्र मानस में जति भी पात्र होते कसम कुछ ना कुछ सीखे के जरूर मिलते और सीखने के लिए ऐसा नहीं कि प्यारे कि राम कथा में एकदम घुस जाए तभी समझ आएगा नहीं आप सुन के देखिए तो सही जा सुनाम सुमरत एक बार उतर ही नर भव सिंधु अपार केवल नाम मात्र से इसलिए भगवान शंकर जी महाराज माता पार्वती के संग राम कथा जब चर्चा करते थे तो हमेशा भगवान राम को ध्यान में रखकर एक ही बात कहते थे बोले क्या सुन नहीं मांगा रामा चांदी नहीं मांगा प्रभु एकाकन कुछ अरबो नहीं जमा तो ही कुछ रो खबर यही करा ये कौन गावेगा बड़े करेली ईमन का पढ़ते का बड़े करेली मारे हैं ना फिर रामायण में और धोखा ये हो गए वहां में धोखा हम कहीं पर होता है कुछ अरबो का तो मोट डाला देखती से नहीं का तो मोट डाला नहीं देखा रहा है वो लट्टू देखा रहा है ये वाले नहीं है बुगुर बुगुर बरत तेला का एला एला रिसने ला और लट्टू देखा रहा है पड़ोसी पूछा रहा है आई दीदी का थे काय हो गए वो ये लट्टू कैसे बरत हो या तो लट्टू पूछे वो हाओ तो ये लट्टू कैसे चलते जानने बहनी तो एक काम कर का काम वो लट्टू तार ला छूट देख तो मारे माछी हो साहब जब मन थामी उतरत रहा है तो वो डोकरी दाई आगू मठना माई लोग इंतकाल पीछे पीट ला धोना था धोखा होते पाछू वाले मन से बच के कहा था निवेदन चलो दोनों हाथ उठा के राधे राधे चलिए निवेदन जिसके पास दो हाथ है दोनों हाथ उठाएं एक हाथ तेमन एक हाथ लो उठाओ और नहीं है तेमन बोल लो उठाओ फिर उठाओ हाथ चलो राधे राधे चलिए आनंद लेके वन टू थ्री फोर ला 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 सुनहा नहीं मांगो रामा चांदी नहीं मांगो प्रभु सुनहा नहीं मांगो रामा चांदी नहीं मांगो प्रभु सुनहा नहीं मांगो रामा चांदी नहीं मांगो प्रभु चरण कमल ला तोरे मांगो मोरे राम रमैया जिंदगी भर सेवा तोर मांगो मोरे जगत जिया हो गए डोकी दाई अब नहीं है काला बजाबे वत की है रे का हाथ तागा बोल सी आप रामचंद्र की जिंदगी भर सेवा तोर मांगा हे राम रमैया जिंदगी भर सेवा तोर मांगा आओ इसने राम कथा के चर्चा माता जहां चला थे माता पार्वती के संग राम कथा सुंदर कर तारी राम कथा के असन कोई सुंदर ताली नहीं हो सके जे राम कथा बैठ के ताली बजाते ना ओकर मन के विहग विहग मतलब पक्षी मन के जिन विकार है ते विकार थापड़ी बजाल दुरिया हो जाते इमे लिखे मिनी कहा था यहाँ गोसाई जी महाराज बढ़िया बात हाँ राम कथा सुंदर कर तारी और संस विहग उड़ाव निहारी और राम कथा गली पिटप कुठारी और सादर सुनो गिरिजा कुमारी बोल सियापति रामचंद्र की जय ये अब पहली को एक चीज बता दो प्यारे ये मानस कथे कि पहली जब राम ला पाना रहे तो राम को पाने वाले धन को छोड़कर राम को पाने दौड़ते थे उस जमाने में पहले के लोग धन को छोड़कर राम को पाने भागते थे और आपके लोग राम को छोड़कर धन को पाने भागते धन मतलब पैसा नहीं राह में देखा था ये दे का हरे हा नोट हरे पैसा का था सब हाँ नोट इंसान आपके जमाने में केवल और केवल इसी नोट को पाने के लिए भाग रहे प्यारे चाहे रामायण वाले ही क्यों ना हो गलत नहीं बोला था ये मन देवों की तबाबों के हैं अवनी देन कहते तो दूसरा गांव जाते हैं नोट कहा था ये साउंड वाले भैया फ्री में नहीं लगे का फ्री में नहीं लगे का नो एकरो बन नोट मतलब जे चटाई में बैठो ना ओकरो 100 रुपए किराया लगते बने बैठो कहा तू जगह पुकरा के
मतलब लड़का छठी करबे तब नोट, रामायण करबे तब नोट, साउंड लगाबे तब नोट, लड़का बड़े हो गए ओकर लोग लेकर खर्चा करबे तब नोट, इंसान के शादी बिहाव करबे तब नोट, यहाँ तक लुगरा पाटा बांटबे तब नोट, तबियत ठीक नहीं डॉक्टर के खर्चा नोट, जे दिन इंसान दुनिया छोड़ के जही जे बांस मां जे पीतामढ़ी लोकर शरीर मोड़ हबो वो पीतामढ़ी होलो फोकट में नहीं मिले। मतलब एक चीज जाने, हम एक चीज जाने कि इंसान पूरी जिंदगी भर केवल और केवल इसी नोट को पाने के लिए भाग रहे प्यार, पूरी जिंदगी भर इसी नोट को पाने के लिए भाग रहा है। पर हाँ, जिस दिन इंसान इस दुनिया को छोड़कर जाता है, याद रखना, इंसान जिस दिन इस दुनिया को छोड़कर जाता है उसके शरीर में नोट नहीं चिल्लर फेंका जाता है। अभी गौर कर, ते बड़े आदमी रह बेटा और ते गरीब आदमी रह बेटा, तोर मरनी में गांव वाले मन पाछू पोती रेंगत रही, चरिया में धान ला गुलाल ला सिक्कल खमसी और खमस के छिथी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है सिक्कल चला। कतको बड़े आदमी, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हो सकते कोनो सरकारी नौकरी में जेकर पेमेंट 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 तक हो सकत है, हो सकत है मिनिमम, अगर वो इंसान 50,000 महीना कमाई, और बात ध्यान समझना, मिनिमम वो आदमी अगर 50,000 महीना कमाई से एक महीना 50,000, अगर वो 12 महीना ड्यूटी करी कति कमा डरी 6 लाख, कति 6 लाख, अच्छा एक साल में 6 लाख, 65 साल ड्यूटी करी कति कमा डरी करोड़ों संपत्ति, मतलब धन के पलपला फूटत है। तो मैं ये कहूंगा कि कम से कम करोड़ों संपत्ति कमा के ये दुनिया में छोड़ के जाने वाला इंसान जब जाते तो कर मरने में कम से कम 50-60 हजार खमास के छीतना चाहिए, नहीं छीतना चाहिए, नहीं सिक्का चल छीते, अरे वो दिन जाने हो इंसान की इज्जत कब तक, पैसा है और ये नहीं है ना थोड़ कोई पूछे या नहीं, हाँ गलत नहीं बोला था मैं, कतको बार व्याख्या कर रहा काली की नगर धोखा से दुनिया छोड़ के चल दे, मोर घर वाले मन मोला शमशान में भून दही, ये कपड़ा नवा के जतन दी काबर पैसा के, ये मोबाइल ये मोर है ये मैं चलाता हूँ, मैं अगर बैलेंस वैलेंस सारी क्रिया कर्म सब मैं करता हूँ, पर काली की नगर दुनिया छोड़ के चल दे तो मोर घर वाले मन मोला शमशान में भून दही, ये मोबाइल जतन दी काबर पैसा, एक खंगाड़ी खड़े देकर बोले रो मोर है मिले हो आई पानी हवा पंचर डीजल वीजल सब मैं करता हूँ, पर काली की नगर दुनिया छोड़ के चल दिया ना तो मोर घर वाले मन मोला शमशान में भून दी, वो बोले रो जतन दी काबर पैसा के, एक यथार्थ बात कह दू प्यारे बुरा बस मत मान, एक हकीकत बात, दुनिया के कोई भी कार्यक्रम करा ले, दुनिया के कोई भी कार्यक्रम करा ले, रामायण प्रतियोगिता जज झांकी प्रतियोगिता लोक कला मंच नाचा गम्मा थाल पंथी पंडवानी कुछ भी करा ले, जो आयोजन के लिए 5,001 रुपए का चंदा देता है वो मंच का मुख्य अतिथि होता है, जो 5,001 रुपए का चंदा देता है वो मंच का मुख्य अतिथि होता है, और जो 51 रुपए देता है वो चटाई बैठ के थापड़ी बजाता है। गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये जमाने में हो रहा है इसलिए कह रहा हूँ, चाहे मोरगांव रहा है या तोर, 5,001 रुपए देवे अतिथि वन में और ते इनकावन देवे तो चटाई बैठ के थापड़ी बजाबे, पर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जब तक इनकावन वाले बैठकर उस चटाई में रामायण ना सुने तब तक इस 5,001 रुपए का कोई महत्व नहीं है। 12-15 हजार लेके अगर मैं अपन गांव से यहाँ मंच बैठ के रघुपति राघव ये भजत हो यहाँ सुनिए नहीं कोई मतलब पड़ी नहीं, उस दिन मैंने जाना क्या कि इंसान की इज्जत कब तक पैसा है। बड़ा पटा हो गया राम, हमार राम राज्य के परिकल्पना करत करत हमार मन के नींद पड़ गई, लेकिन आज तक हो नहीं सकी, रामायण करात करात न जाने 2400 साल हो गए फिर आज तक इंसान बदल नहीं सकी, हाँ रामायण सुना सुना पूरा जिंदगी बीत गए पर इंसान आज तक सुधर नहीं सके, तो करते का करते ले बता बता, आओ आइए एक छोटा सा भजन उसके बाद मानस प्रसंग की चर्चा होगी, बोल सियापति रामचंद्र की जय। Oh,
पार्वती के संग बैठे बढ़िया चर्चा ये कि राम कथा सुंदर करता रही और राम कथा सन और को दुनिया में जिन ताली नहीं हो सके जे राम कथा के लिए राम भजन के लिए ताली बजाते ते कर मन के संशय रूपी विहग विहग मतलब पक्षी नहीं अभी मत बजा तो बजाबे और नहीं बजा कर तो बजाते मन तोला नहीं कहा था पड़ोसी ने कहा था अत डोरी धर के का करता है सब अधिक जान लो वो छोड़ो ला
बोल श्री सीताराम भगवान की, राम कथा सुंदर करता रे बढ़िया भगवान शंकर जी मन। अब एक बात बड़ा जोरदार, माता पार्वती की जन थस पार्वती बोले का है त एक बात बढ़िया कि बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम मुखावत नहीं। ये राम के नाम उतना अनमोल है जे नाम ला दुनिया वाले में सत्संग में कत को ले ले, पर मरे मरे के समय में इनके मुंह राम ही निकले गए थे। मरती पहाड़ों में, मरती पहाड़ों में इनके मुंह ले राम नहीं निकले, कत को जन्म जन्म तक सत्संग रामायण ल सुन ले। हाँ एक बात मैं पूछा सबो दाई मन से, सबो भैया मन से, जन्म जन्मांतर तक आदमी मन भजन कीर्तन जरूर करते, पर मरती पहाड़ों में इनके मुंह राम निकलते धोनी निकले, निकलते वाले कौन कौन हाथ उठा मुड़ील ढाक थे हाथ ले उठा था अले मुड़ील ढाक का हाथ ये ढके जरूरी है कहा था। मरती पहाड़ों में इनके मुंह राम निकलते धोनी निकले, निकलते वाले कौन कौन एक जन हाले नीचे कर और नी निकले वाले कौन कौन हो एडहार तक कदे कोती हो, कदे कोती हो कथो नहीं ये तीख हो ना वो तीख हो तक कदे कोती हो, तुमन कहीं को तीख नहीं हो, तुमन यहाँ आना है जाना है खाना है है फिर रामायण देखा था सो ये इसने बस हो और जाना इसने अच्छा तुम्हारा कुछ नहीं जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतरा मुखावन जेमन एमन हाथ उठा रहे नी निकले के खात रहे का। एक बात मैं बता तो मालूम कैसे चलिस नी निकलते है कैसे जाने ये ला जाने बार पहले मरे लग ही और मरबे तक बता डर पे उहा लाबे सम हेले उहा सर गले रमसीला राम के मरयो बहिनी नी जा सकत चल देते परमानेंट दे ऊंचे। आओ जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतरा मुखावन हमर गांव सेम घटना उसने घटे है के साल करी टोकरी का 85 साल के सीएन हिंद आई और 85 साल के सीएन हिंद आई घटना ये वो डोकरी बड़ा खतरनाक रहा है बताए भाई सियान मनो पे तो मैं नहीं हो रहे हो गए नहीं यू नहीं मऊ नहीं हो रही हो बार यू मन नहीं हो रही से फिर बताते अब ये कोरोना काल में किस ओसियन ही ना तो हमार दाई बाबा मन बताए कि ओसियन ही इतना खतरनाक जैसे बताए भाई कि वो जन्म से लेके मरत तक जब से जन्म ली तब से लेके मरत तक कभी जीवन में राम नहीं जपे थे ना राम के नाम नहीं लेकर थे। जैसे गांव में रामायण होती ना तो रामायण होती तो गांव भर के मन सुने लाए डोकरी दाई नहीं है। गांव अगर जज झांकी होती ना गांव भर के मन देखे लाए डोकरी दाई नहीं है। गांव भर में भागवत होती ना तो गांव भर के आए वो डोकरी दाई नहीं है। गांव में अगर कोई फाग या राम मुनि होती ना तो गांव भर के आए डोकरी दाई नहीं है। गांव नाचा होती ना तो कोई आए मत आए डोकरी दाई आगू बैठ के नाचा देखे लाए थोड़ खतरनाक है। अब एक घटना ये कि डोकरी दाई 84.5 साल जिएगा और 84.5 जी एक बात एक ठन बढ़िया बात ये कि सियनहीन के तबियत ठीक नहीं है। अब सियनहीन के हाथ गोड़ हालना कम हो गए घर वाले मन कहते हैं हॉस्पिटल हॉस्पिटल लेके छोड़ो एक काम करो घर के कुरिया में सुता और पलंग में सुते रही सेवा जतन करते रहो जिसन खाए तिसन खवा पिया और वह किम काम बन गए चल छोड़ो कह के। अब जैसे डोकरी दाई 84.5 साल जिया थे उस घर वाले मन सेवा जतन करते थे ऐसे हुई कि मरे के एक हफ्ता पहली मोर बात ध्यान समझना मरे से एक हफ्ता पहली घर वाले मन डोकरी दाई की डोकरी दाई के का कन बोला थे हाथ गोड़ नहीं चला थे घर वाले मन कहते एकर बचाई है मुश्किल है भैया तो कैसे करबो तो घर भर के मन मिल के एक काम करो पान प्रसाद खवा दे के। अब घर भर के मन मिल के पान प्रसाद खवाए पर डोकरी कुरियम गीस जिसने पान प्रसाद ला डोकरी के मुंह में डारत रहा है डोकरी कलप के रोटरी ते कहता जिया जिया पान प्रसाद खवा तो मरे के बाद कौन खवाई तोला जिया ले दुनिया खावा थे। हाँ घर वाले मन पान प्रसाद खवाए डोकरी कलप के रोए पड़ोसी मन आग खवाई डोकरी कलप के रोए सगा मन आग खवाई डोकरी कलप के रोए भर गए का एक कन चल ही का। हाँ डोकरी और कलप के रोए गांव के जन सियान आग घिसगा कि डोकरी के तिक माने देख लेते कहू कि पान प्रसाद खाई ओकरो कर कलप के वो बेचारा मयक मारे बहरी पर निकल के घर वाले मन लगते थे ये डोकरी कहीं कहीं कहना चाहत भाई तो एक बार कुछ करो तो का करे लगी करना कुछ नहीं है। अब हम तो सुने भाई ये राम नहीं कहे जीवन भर एक मुंह राम बोलवाबो कहते तो बोले बन जाए तो कैसे करबो गांव बने सन एक टीकाकार है वो टीका खाला धर के लाओ और लाओ ये डोकरी का घूम रामायण पढ़ाओ वो कर बाबा बोल ही मुंह ले सके आप कैसे करबो ले जा कर था बोले अब टीका काल ला बोले तन कह तो 500 रुपए देबो और देबो ना ये टोकरी के मुंह राम निकलना चाहिए टीका काल 500 एक ना बन जाई मैं थोना टेंशन मत ले। अब भीतरी में गीज गा डोकरी दाई खटिया में सुते है व्याख्याकार बैठे है व्याख्याकार बैठ के रामायण लग खोली सौ रामायण लग खोल के ट्राई करी डोकरी बोलत धुन्नी बोलत कह के सियन ही लपूत थे दाई का बोला सब था नहीं वा सियन इन कथे बोला तो सब था ये कथे बन जाई यार रामायण लग खोली दशरथ मरण के कथा राम राम कही राम कही और राम राम कही राम
सेन ही लगत है दाई ले बोला लग तो डोकरी काका जान था काम काम करी का काम करी काम काम करी का काम रामायण वाले खोते छे कदे करके बोला थे तो तोरला थोड़ी बोला तो अपन ला बोला तो ओकर रामायण अलग है तो रामायण अलग है हाँ और रामायण वाले कथे मोर सन्नी हुआ कथे तो नहीं हुआ 501 नहीं मिले जा खसा कैसे फ्री सो बोलवाच नहीं तो खबर दी पैसा का आप कैसे करे जाए तो गांव वाले मन कथे अति पान नेंगला कर डरे हैं अब ये डोकरी दई अगर राम नी की थमन नाक कटा जही गांव भर में बिज्जती है तो कैसे करबो एकर मरे पहले किसरो करके बुलवाबो तब नहीं तो कैसे करे जाए करना कुछ नहीं है गांव भर में बैठ कर सके लो किस और गांव भर में बैठ कर सके सब एक चीज बढ़िया बात बता दो सियान मन बैठे कर सकती गांव कोई बने बने काम के बैठ कर होते ना तो सियान सियान मन सकला थे रामायण भागवत वर्ग सियान सियान मन बैठक में सकला थे और कोई तिड़िंग बिड़िंग हो गए ना तो नानन टेपर रामन खोलो 12 बजे रात तक जाते तुम वाला नहीं कहा हमार गांव में ला कहा था 12 बजे काला का थेरे बेटी से नहीं उल जा के उस बैठक में आप वो बैठक में लड़का जवान सियान डोकरी डोकरा सब बैठक में सकला है अब वो पर हल्ला चलत रहा है वो की में जन समझदार सियान खड़े होकर थे अरे बैठक ला कवर बला होते लत बता और दादा इसी की तो वो केस गा ये सियान ही ना मरने वाला है और मरने वाला है तकर मुहूर्त आज तक राम नहीं निकले तकर मुहूर्त राम निकला वो तकर सती बैठक के कथे तो कैसे करना है तो वो कहते टेंशन मत ले मैं था ना चिंता झन करे डोकरी के मुहूर्त राम ला मैं निकलवाऊ कहते तो कैसे निकलाबे तो कहा सुने रे सोई हो तो किस गा ये सियान हिन के दमान के जान है बोले तीन जन का का नाम है एक के नाम समारू एक के नाम दीनदयाल तीसरा का नाम राम साय तीसरा का नाम है जोर से का नाम है एकरेज काम है कबर का नाम राम साय सियान कथे राम साय बन जाई ले बला दमान मन कर फोन लगे कथे कहा दमान काम पुतम हवो अरे काम पुतल छोड़ो फट ले आओ कहा तुर ससरार में काबर तुर सास के सांस खत्म हुआ थे एक कन देख ले और तीनों दमान में नहीं आई तन बैठक में आधा घंटा पहुंच के कथे काय हो गए भैया तो ये कर सती बुलाहन इस यनहिन के अंतिम मुख दर्शन एक करके देख लेते हो और ज्यादा धन नहीं जा सको डोकरी हड़बड़ा जाए तो कैसे करवो एक करके आहू और भेजा जब तान जात जाओ बोले ठीक बन जाए अब सियान मन के दिमाग देखन बैठे है कुर्सी में डोकरी दाई खटिया में सुते है सियान मन पहले ट्राई कर बोला धुनी बोला कही गा कथे दाई काय बोला सकथस नहीं वाह सियान हिन कथे बोलन तो सकत हो ये मन कथे बांध जाहिया पहला दमान ला भेज गा बलाइस आघुम खड़े करेइस सियान हिन ल कथे दाई काय चिन्हा था स्वो बोले चिन्हा तो हो कौन है रे समारू ता कथे जमा थे काबर बोला थे ओ कथे ते जा दूस फट ले जा दूसरा भेजाओ हां दूसरा बलाइस आघुम खड़े करेइस सियान हिन ल पूछते दाई काय चिन्हा था सो बोले चिन्हा तो हो कौन है रे दीनदयाल ता कथे पूरा जमा थे एक घा भरो डोकरी अब सियान मन कथे ये भेजते जा दूसरा तीसरा भेज के बलाइस आघुम खड़े करे सियान हिन ल कथे दाई काय चिन्हा था सो बोले चिन्हा तो हो कौन है रे छोटे बेटी घर के दमान ता राम साहब कह देती तो काफी कर देती इसलिए बता सबो दमान के नाम ले छोटे के नाम ले आज किच में सियान मन कथे लकड़ी छना खाका पर आ भैया ये नहीं बांच पाए कला बांच कहत कठिन समझत कठिन साधक कठिन विवेक इसीलिए भगवान शंकर ने माता पार्वती को सरलतम रूप में जनमानस के बीच में रखने के लिए इस राम कथा को बड़े सुंदर भाव के संग कहा और ये राम कथा काव्य अनुगय के बराबर आए जिन सबला बिना मांगे सब कुछ देते बोल सियापति रामचंद्र की जय लीलावती के संकेत एक जोरदार भजन और ये भजन के बाद ये मंच ले हम सादर विद जाबो बोल सियापति रामचंद्र की जय पर निवेदन ये भजन एक बस्तरिया हेलो 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 हाँ आदरणीय निवेदन पहले राम आरती हो आरती होगा राम आरती होगा उसके पश्चात में भजन तत्पश्चात विदाई मैं ये कहा तेरा मानस मंडली के अंतिम भजन हो जाती तन आरती अलग से कर देती निजम के ना नहीं कहा जोरा सब बन गए तेला बनाते हैं तब बने लगती ऐसे जोरा जोर आ गए नहीं विसन नहीं कहा दगा हाँ फरमाइश भजन लेखनो पर ले लेबो आरती बाद भले हमर मेन चलन दे कहा पीला पत्ती पर गेते वाले ला कहा नेहा ए हमर नेहे वाला है जुड़े वाले नेंगाल बाद में गाबो वो पार के ला बोल सियापति रामचंद्र की जय चलिए एक बस्तरिया भजन के आनंद पर निवेदन कर दो जति जनी बैठे हो ईमानदारी से बताना सब मन गरिया बन जिला करो हाथ उठाओ ये देख कदे जिला वाला है घुमाते हैं काकर गुड्डू है वो बड़ जान के भाठा में किनारा थे और एक जन तीन तीन झलक किनारा था वहां देखा था अब यहाँ देख जन यहाँ दे यहाँ ये मन थोर बड़े यहाँ दे चला ये दे हरा ते घूमत रहा बस गोल भावा बोल सियापति हाँ सब जन गरियाबंद जिला खड़ो राजीम कह रहा
हाथ ले नहीं उठाते था हाले नीचे करो। गरियाबंद जिला, राजनांदगांव जिला, रायपुर, धमतरी, बालोद, ये पांच जिला ऐसे जिला है जिमन गोठिया थे ना तो सोझा सोझा गोठिया थे। कैसे जात हसका आत हसका खाबे का पीबे का ओ साहूगर छठी मुनगा परीक्षा अगला जमावे का नानचू डब्बा धरे और चल ही का ये सोच हाँ। अब एक कंते होती गंडई कमर धमर जब नहीं मन नहीं से हाँ वो गाँव उठान जाबे ना गंडई कमर धा बेमेतरा बिलासपुर बलौदा बाजार तब ओतिक मन कैसे गोठिया थे जईहा रईहा खईहा पईहा गोठियाईहा सुनिहा सुनईहा अईहा 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 बोलो वो कहा था अब ये जाबे ना कांकेर को ती तक कांकेर डाना मन गेरा अभी नवा साल में और रामायण प्रतियोगिता में गेरा बड़ा जोरदार घटना ये कि सुबह सुबह मुनेरा पांच सात बजे पहुंच गए रहन और सीत बरसे रहा आयोजन समिति जागत नहीं रहना चाह नहीं नाश्ता नहीं। अब ये होती किंजरत रे नतकी में एक झन के घर के माटी में हमारे गाड़ी खड़े रही से हम अंदर से झन दाई निकलीस हमार को तिल देखीस अंदर चले गए। दस मिनट बाद फिर निकलीस हमार को तिल देखीस अंदर चले गए। अंदर में जाके अपन गोसैया एक ठन बात कहते रहे गोसैया मतलब समझ काला कथे दाई आदमी ला आदमी कथे तहु मन तो मोर आदमी हो का ए मन मोर आदमी है साउंड वाले भैया तहु तो आदमी ला हसका के आदमी ला पांच सात जन आदमी ओकरो कर रहे आदमी नी का है पति कथे का कथे हां ओ आपके मन हस्बैंड कथे हस्बैंड मतलब हंसत रीते पेंट हो गए पर पति बने हरे कहा था अंदर में किस अपन को सैयल कहा था है ओ गुसैन हां का उड़ान के भाषा अलवा जलवा थे तिलक कहा था आई हां तो सुन ठसका है तो कते कते काय हो गए वो तो हो तो हमार घर के महा टीमा टुरेल हटुरेल राम रामायण वाले मनिया है और घर के महा टीमा त खारे है कथो त कैसे करबो तो हो तो लइका मन ल देखबे त वो कर मुह कान क लई बरोबर लगते कथ में कर हटो करी तो कर लई लगत ना देखो अब बहुत किम की हिसगा तो हो तो लइका मन के मुह कान क लई बरोबर लगते तो एक काम करते त गरम गरम चाहला तो उकर मन भर बना देते हो और तो घई बहाना में उकर गोर हाँ हमार घर के डेहरी में मार जाती तो बोला के लाओ का कथे बोले हो लाओ तो कर को सैया मोर करेस और कथे या हो भैया कथे में क्यों काय हो गए गुरु जी तो हो तो तुम रामायण वाला हरो में क्यों हाँ रामायण वाले हर तो कदे को तिला हो किस में क्या बम्बई को तिला झिटिया कौन काला जानी बमले के तो समझ गए बमले के तन जय मैया भैया जय मैया कथे में क्यों जय मैया ता मोला की हिसगा हो त हमर घर गोसाइन हां तुहर मन मर गरम गरम चाहल बना थे यही बहानम तुहर गोर हमर घर के डेहरी मार देती इसका मैं क्यों चाय पियाबे ना हाओ त गोल लका पर प्रसरी ल मना आज किस वाला खबर ले बोले पूरा ले ताओ कथे ले ठीक है। अब ये सब की समूह नागवा गुगेन महाटीम जस्ट अगेन मैं ठन जींस पहन रहा हूं धोखा में और जींस के कंडीशन कुछ ऐसे ये माड़ी के नीचे चार पांच टन कटिंग कटिंग रह रहा है फैशन वाले का और धोखा पहन जा रहा और जिसने महा टीम गेन अंदर से दाई निकली तमोर मुंह को तिल देखती से नहीं रहा ला वो का नजर की डायरेक्टली कटिंग कटिंग में और धुरिया देख के कहा थे या मंगैया मंगैया माला वाला था सो मंगैया की तां दिमाग खराब मैं कहूं का के चाय पानी नहीं बने हम मंगैया मन नहीं पिया रहेगा थन देख के ओकर गोसैया भड़क के भर की तान कथे या नहीं बा निकला का पर कथा सो तो ये तकाम कर वो तो रंद नहीं कुरियम जा और लोटा पानी धर के लसा का मल्ला मना एक जिम्मेदारी मोर ये बस्तरीय भजन के आनंद के संग समझन बोल श्रीपति रामचंद्र की आपकी मुकर गोसैया अपन गोसैया लक कथे बोले का तो हो आवे तो कर गोसैन की राहत ले ले बाबा निवेदन करता हूँ समस्त दर्शक दीर्घा से जल्दी जन बैठे हो जब ये मंच ले मैं कहूँ तो हूँ आवे आप सब लग कहना है महुआ हूँ का कहना है जोर से का कहना है अब अन्य हकान के कहूँ हाँ चलो तो ठसानी परत है एक काम करता रहा ये पार के टोली एक तरफ ये पार के टोली एक तरफ और जेकर आवाज सबसे ज्यादा हो ही बोला चार नरियर फिरी देवन नहीं देवाबो मतलब वो मन दी ही कहा था जन समित हम मन का नहीं है काला देवो दी ही नसियान मन का पर निवेदन करना हमार महातारी मन से होकर बाद हमार भाई मन से ठीक है तुम चुपे रहो ये मतलब बोला दे बने हकन के कहू कहा था मैं तुम्हार डहार हूँ और कतिक मन फायदा दे बेले बोता हकन के कहना चलो तुम चुपे रहा तो सांस चला थे कम से कम एक घाव आओ और मौका दे थे एक घाव चलो हाले चुप पे रहा हकन के बोल हुआ मैं तुम्हार डहार हूँ आए अब नहीं बना था तुम्हार डहार चले शांत रहो अब हकन के कहना तहुआ नारियर खसला थे
मतलब ये मतलब मिल ही कहा था बोलो तब तो मिल ही मतलब हवा भर निकलते माऊ। चलो निवेदन दोनों हाथ उठा के राधे राधे कांगना फिर उतार सबसे निवेदन राधे राधे। चलिए तालियों के संग 1 2 3 4 कैसे की किया था हवा ने एको कन आवाज ही नहीं निकली देखा था लेकच मन के सहारा में चला थी करे मन के हाँ अब एक ठन बात बता कह रहा जान दाई बैठे और हन नहीं देखो फालतू मोल कही हो वो थापड़ी बजाते हैं यार मैं कुछ कहा था कहीं कहे हो अब बजाते बजाते कन वो तीक टेंशन लेती देखा था अरे बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है दुनिया में रुलाने वाले बहुत है प्यारे हंसाने वाले कोई कोई इसलिए निवेदन कर दो कि बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है जिंदगी में टेंशन किसको कम है अरे बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है जिंदगी में टेंशन किसको कम है अरे अच्छा या बुरा केवल आपका भ्रम है इसीलिए जिंदगी का नाम कभी खुशी कभी राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब लगना चाहिए परदेवम रामायण होते पैसा छुटा जाए फिकर मन हमला देते नहीं ते वाले चलो राधे राधे और अंतिम लाइन सब मिलकर गाएंगे तहुआवे ते महतारी है तहुआवे हाँ जमा थे का कर चलो निवेदन सब जन से तहुआवे हरे दर्शन करे बरदाता तिर तीर लागे सत्संगे तीर लागे आरोले मत चले आवे तहुआवे हरे दर्शन करे बरगा कहुआ बे हरि कथा सुने हरि कथा सुने बरगा कहुआ बे प्रभु दर्शन करे बरगा कहुआ बे हरि कथा सुने बरगा कहुआ बे
बे सियापति राम चल हाँ चलिए आयोजन समिति से निवेदन आरती की लाली लाली चुंदरी बोली बोली चढ़ी हो लाली लाली चुंदरी